सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संग करीब एक बरस के बाद नवी मुंबई के इसी इन्हीं मैदानों में फिर से आप लाखों की संख्या में उपस्थित हुए हैं। 49th समागम महाराष्ट्र का 49वां, जहां महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न इलाकों से आप सभी श्रद्धा भक्ति भाव से युक्त होकर उपस्थित हुए हैं। वहां पर महाराष्ट्र के अलावा भी चंद प्रांतों से नुमाइंदगी यहां हो रही है, और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विश्व के अनेकों मुल्कों से भी यहाँ पर भक्तजन उसी श्रद्धा उसी भक्ति भावना से उपस्थित हुए हैं। जो लगन हमेशा भक्तों में पाई गई है, जो इस सत्य का आधार लेकर जीवन के सफ़र को तय करते आए हैं, जिनके लिए मानवता इंसानियत बहुत अहमियत रखती है, जो जीवन का मूल्य जानते हैं, इन सांसों का मूल्य जानते हैं, इसलिए एक एक सांस वो इसी सच को समर्पित होकर ही बिताने के लिए हमेशा ऐसा भाव रखते हैं। इंसानी जामा, इंसानी जन्म मिला है तो इंसानियत की डगर पर चलने के लिए हमेशा जतनशील रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के इस संत समागम के ऊपर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। अभी 2 महीने ही हुए हैं, जबकि नवंबर में दिल्ली में संत समागम का आयोजन जो हुआ, करीब 2 महीने का ही ये बीच में वक्फा, जबकि ये महाराष्ट्र का संत समागम का आयोजन, और यहाँ पर जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि दिल्ली का संत समागम भी अभी ही चल रहा है। जो यहाँ पर विशाल रूप बनता है, वाकई ही ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल अरसे से बनता आया है। इसी महाराष्ट्र में, इसी मुंबई में, जहाँ ऋषि व्यास देव जी ने इतने योगदान दिए और उन्हीं की जीवन संगनी माता कांता जी, उनके साथ भी और उसके बाद भी लगातार यहाँ मुंबई की संगतों को अपना प्यार दुलार देते आए हैं, और अभी पीछे ही उन्होंने इस नश्वर शरीर को त्यागा, जहाँ पर हर समागम पर सबके लिए तन मन धन के सुखों की कामनाएं करते रहे। तो कहाँ से मुंबई में ये प्रचार का सिलसिला आरंभ हुआ और आज हम वो व्यापक रूप देख रहे हैं, केवल मुंबई का नहीं महाराष्ट्र का। जहाँ पर जिस इलाके में चले जाओ वहाँ ही ऐसी श्रद्धा वाले भक्तजन अपने अपने इलाकों में रहकर जहाँ अपनी भक्ति निभा रहे हैं, वहाँ पर ये सच का पैगाम जन जन तक पहुँचा रहे हैं। जिस सच से नाता जोड़ने की आज भी प्रेरणा मिल रही है हमें, जहाँ इस सत्संग में करीब 3 बजे से जो आरंभ हुआ और तब से लेकर जिस जिस को भी अपनी बात रखने का मौका मिला, तो हर किसी ने इसी सत्य परमात्मा ईश्वर निराकार का जिक्र किया, इसका गुणगान किया, इसी से ही शक्ति मांगी
दातार कृपा करो कि हम हमेशा उजाले में जीवन जिएं। ये जो उजाला हमारे जीवन में आया है, इसी उजाले में हम जीवन जीते चले जाएं। एक एक पग जो हमारा हम धरें, तो एक एक कदम जो है वो इसी उजाले में हो, और हर किसी के जीवन में ये उजाला आता चला जाए। ये भी शुभकामना करते हैं कि हर किसी के जीवन में उजाला हो, हर मन रोशन हो, हर आत्मा रोशन हो, ताकि कहीं अंधकार ना रहे। क्योंकि अगर मन और आत्मा अंधकार में रहते हैं तो ना आत्मा की बात बनती है और ना मन के कारण हमारे जीवन को सुंदरता मिलती है। इसीलिए इन दोनों का रोशन होना बहुत ज़रूरी है, और जिनको ये रोशनी मिली उन्होंने ही संसार के ऊपर उपकार किए। जैसे एक जगा हुआ दीपक होता है और बाकी बुझे हुए दीपक होते हैं, तो जगा हुआ दीपक खुद तो रोशन होता ही है, वो बुझे हुए दीपकों में भी उनकी भी लौ जो है वो प्रज्वलित कर देता है, उसमें भी रोशनी स्थापित हो जाती है। इसी तरह से वलियों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से इंसान के जीवन के अंधकार को दूर किया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, मूल से जोड़ा, सत्य का बोध कराया, असली पहचान प्रदान की, और इसी तरह से जीवन जीने के सलीके भी वो भी उन्होंने सिखाए। क्योंकि उन्होंने इस मन को भी प्रज्वलित कर दिया, इस मन में भी फिर भाव सुंदर पैदा होने शुरू हो गए, मन में खड़ी हुई दीवारें गिरना शुरू हो गईं, विपरीत जो भी भाव थे वो धूमिल होना शुरू हो गए, और एक सुंदर निखरा हुआ रूप इंसान का वो देखने को मिलने लगा, और वही निखरा हुआ सुंदर रूप इंसान का उसी को दूसरे शब्दों में देवता कह देते हैं। तो इस तरह से ये देवत्व ये कितनों के जीवन में आता चला गया, और उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन ये लगातार ये अपने पैगाम देते चले जा रहे हैं, ये उपकार करते चले जा रहे हैं। महापुरुषों, भक्तों के पैगाम को अक्सर हर कोई नहीं समझ पाता है। अगर हर कोई इसको समझ पाता तो जो ऐसे सच के मार्ग पर चलने वाले, हर किसी के जीवन में रोशनी लाने वाले, उनके ऊपर भी फिर जुल्म ना किए जाते। हमने इतिहास के पन्नों में देखा है जहाँ पर किस तरह से भक्तों, संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के ऊपर भी कितने जुल्म ढाए गए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन जब हम देखते हैं, एक दिल दहल उठता है कितने घिनौने तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए गए उनके शरीर के साथ, और कदम कदम पर जीवन भर रास्ते में कितनी रुकावटें खड़ी की। इसी प्रकार से इतिहास के पन्नों में हमें ऐसे ही एक मिसालें ये मिलती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि संतों, महात्माओं के उनके संदेश को इंसान ने समझा नहीं, क्योंकि इंसान इतना गहरे अंधकार में विचरण करता आया है, इतनी एक भ्रमों में जीता आया है, इतने भ्रांतियों में जीता आया है, असत्य को सत्य मानता आया है, और जब सत्य सामने लाने के प्रयास हुए तो उन सत्य सामने लाने वालों को भी मिटाने में ये संसार हमेशा अपना कार्य करता रहा है। लेकिन संतों, महात्माओं ने हमेशा वो मार्ग अपनाए रखा, और
ये हमेशा से ये भी सच्चाई रही है कि जो संतों ने सच बताया था वही सत्य रहा है, और संसार जिस असत्य को सत्य मानकर चलता आया है वो वाकई असत्य रहा है, वो कभी सत्य नहीं बना है। और वही लोग हैं जो नहीं समझ पाए कभी भी कि वाकई ही ये भक्त महापुरुष संत जन ये संसार को क्या देन दे रहे हैं, ये हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बात वही है जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि those who were seen dancing were thought to be insane by those who couldn't hear the music। तो जो वाकई ही इस प्रकार से देखते आए वो लोग थे जिन्होंने उनके कान जैसे बंद होते हैं, वो संगीत ही नहीं उनके कानों में सुनाई दे रहा, और वो यही सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही नाच रहे हैं, ये बांवरे हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको संगीत ही सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए उनको भी जो राह दिखाने वाले उनको भी कुराइया कहते रहे, जिन्होंने रास्ते दिखाए उन्हीं के बारे में कहा कि ये तो भटके हुए हैं, ये तो भूले हुए हैं। इस तरह के फैसले अज्ञानता वालों ने हमेशा हमेशा दिए हैं। लेकिन बात वही आती है कि महापुरुष संत जनों का अभिप्राय हर किसी का उद्धार करना है, हर किसी का कल्याण करना है, इसीलिए वो अपना कार्य करते चले जाते हैं, वो अपनी देन देते चले जाते हैं, चाहे लाख रास्ते में रुकावटें आएं, वो आगे निकलते चले जाते हैं। जैसे पानी पहाड़ों से बहता है, रास्ते में कितनी ही चट्टाने आती हैं, कितने बोल्डर्स आते हैं, लेकिन वो पानी ठहरता नहीं है, वो उसी तरह से उन बोल्डर्स को, उन पत्थरों को, उन चट्टानों को छूकर दाएं बाएं से गुजरता चले जाता है, वो अपना रास्ता बनाते चले जाता है, क्योंकि उस जल का ध्येय यही है कि उसने भी उस मंजिल तक पहुंचना है, उसने भी सागर तक पहुंचना है, और सागर तक पहुंचने तक रास्ते में पता नहीं कितने खेत हरे करने हैं, कितनी फसलें पैदा करने में अपने योगदान देने हैं, कितने फलदार वृक्षों के लिए सहायक सिद्ध होना है, कितनी मैल लिबासों और शरीरों की उतारनी है। तो इस तरह से वो एक यात्रा उस जल की लगातार चलती है। तो इसी प्रकार से महापुरुष भक्त जन भी, वो भी इस संसार में विचरण करते आए हैं संसार के उद्धार के लिए, हर मानव के उद्धार के लिए, ताकि इस भव सागर में डूबे नहीं, इस भव सागर से पार उतर जाए। ये जो अज्ञानतावश ये ऐसी जकड़न में जकड़े हुए हैं, जिन बंधनों में पड़े हुए हैं, इन बंधनों से निजात मिलने वाली नहीं है, इनको जब तक ये ज्योति इनकी जगती नहीं है, जब तक ज्ञान उजाला जीवन में आता नहीं है, तब तक इनकी बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने इंसान को बार बार कदम कदम के ऊपर ये एहसास कराया कि समय बहुत अमोलक है, समय हाथों से निकल जाता है, समय किसी की इंतज़ार करता नहीं है, ये अपनी रफ्तार से चलता चले जाता है, और सीमित सा समय हमें मालिक ने ये मनुष्य जन्म दे के दिया है, ये हमारा शारीरिक यात्रा इटर्नल नहीं है, कहीं ना कहीं ये यात्रा रुक जाने वाली है, बताए बगैर रुक जाती है। तो इस तरह से इस जन्म का, इस जीवन का हम मोल डालें, हम उन बंधनों से निजात पाएं, हम सेल्वेशन मुक्ति मोक्ष इस आत्मा को प्रदान करें, हम इस जीवन के सफ़र को सुंदर ढंग से तय करें, प्यार
मिलवर्तन भाईचारे को बढ़ावा दें। हमेशा हम हार्मनी को स्थापित करने में अपने योगदान दें। नफरत वैर ईर्ष्या वही करते हैं जिनकी अभी ज्योत बुझी हुई है, जो वास्तविकता में अज्ञानता में विचरण करते हैं, जो सच से अनजान है, इसीलिए वो मानव और मानवता की कदर करना नहीं जानते हैं। वही हैं जो वैर ईर्ष्या नफरत करते हैं, वही घृणा करते हैं, वही दीवारें खड़ी करते हैं, वही इंसान और इंसान में दूरियां पैदा करते हैं, वही हैं जो मातम फैलाते हैं, वही हैं जो पैगंबरों के नाम को भी बदनाम करते हैं, वही हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं, वही हैं जो इंसानियत के ऊपर कलंक होते हैं, वही होते हैं जो धरती के लिए अभिशाप होते हैं। तो इस प्रकार से कितना अंधकार में पहलू है, डार्कनेस, एक अंधकार। तो इसलिए आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं मुंबई में, इस नवी मुंबई में, इस महाराष्ट्र के समागम पे, इसी उद्देश्य के साथ कि ये उजाला हर जगह पर स्थापित हो और हम सही मायनों में जीवन के सफ़र को तय कर पाएँ, हम ये दीवारें गिराते चले जाएँ। यही एक थीम नवंबर में समागम में रखी गई थी और जैसे दास ने आरंभ में कहा कि ये समागम ऐसे ही लग रहा है जैसे दिल्ली का समागम चल रहा है, और यहाँ पर वो स्लोगन, वो थीम, ये भी वही है जो वहाँ पर इस्तेमाल की गई। और कवि सज्जनों को भी जो मुद्दा समस्या दी गई, ये भी वही जो दिल्ली में दी गई थी। तो वहाँ पर भी दीवारों को गिराने की बात हो रही थी, यहाँ पर भी मराठी भाषा में भले ही अधिकतर महापुरुषों ने ये बात कही, लेकिन संदेश तो वही था, क्योंकि ये दीवार तो दीवार है और दीवार जब भी पैदा हुई है, जिसके द्वारा भी हुई है, तो वो वास्तविकता में हमेशा ही दूरियों का कारण बनी है, वो हमेशा विभाजन का, डिविजन्स का कारण बनी है। तो इसलिए आज भी यहाँ पर इस समागम पर भी दीवारों की बात हो रही है, दीवारों को गिराने की बात हो रही है, ताकि ये तमाम दीवारें, चाहे मज़ो मिल्लत की हैं, चाहे जाति पाति की हैं, चाहे वो रंग नस्ल की हैं, चाहे सिविलाइजेशंस की हैं, चाहे अमीर गरीब की हैं, चाहे काले गोरे की हैं, चाहे ये औरत और मर्द की अपनी सुप्रीमसी की दौड़ है, चाहे वो नेशंस की हैं, किसी लिहाज से भी हैं, इन दीवारों से परे निकलने की ज़रूरत के ऊपर जोर आज भी दिया जा रहा है। और वाकई फिर से मुड़कर देखें तो वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने यही तो देन दी थी, दीवारें ही तो गिराई थी जो हमारे मनों में थी, उन दीवारों को गिराया, एक दूसरे की कदर करना सिखाया कि हम बंदे हैं, हम पांच तत्व के पुतले हैं, हम प्रभु के बंदे हैं, और डिवाइन स्पार्क, ये आत्मा हर किसी में बसती है। तो इसलिए ये काहे की दीवारें, क्यों कर ये दीवारें खड़ी की गई हैं, जैसे अभी भी आप श्रवण कर रहे थे कि हर चीज़ को वही मज़हब का रंग दे दिया जाता है, एक ऐसे रंग चढ़ा दिए जाते हैं जो असल रंग है वो खो जाता है। जैसे शायर ने कहा कि ये सामने जो ईंटें तुम देख रहे हो, ये सामने ईंटें जो तुम देख रहे हो, इनका कोई धर्म नहीं, कोई मज़हब नहीं, लेकिन कल जब यही ईंटें मंदिर में लगेंगी तो हिंदू हो जाएंगी और मस्जिद में लगेंगी तो मुस्लिम हो जाएंगी। कि ईंट तो ईंट ही है, उसी ईंट से हमारे मकान बनते हैं और फिर उसके साथ नामे और पहचाने जुड़ जाती हैं।
तो इस तरह की ये दीवारें ये लगातार खड़ी की गई हैं और आप सभी जतन प्रयास कर रहे हैं कि ये दीवारें गिरें, कहीं हमारे मनों में दीवारें ना हो, कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की दीवार ना हो, कहीं पर भी भेद वाले भाव ना हो, कहीं पर भी तफरके ना हो और हम मिलजुल कर इस जीवन के सफ़र को तय करें एक हामनी के साथ, एक मिलवर्तन के साथ, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हुए, एक दूसरे की पीड़ा कम करने में योगदान देते हुए, हमेशा ये महसूस करते हुए दूसरों की पीड़ा जो कि भक्तों के लिए हमेशा से कहा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, कि जैसे एक मक्खन होता है, मक्खन के टुकड़े को आंच दी जाती है तो वो टुकड़ा माखन का वो पिघल जाता है क्योंकि उसको आंच दी जाती है, लेकिन संतों के हृदय को इस तरह से माना गया है कि आंच किसी और को लगती है और मन इनका पिघल जाता है कि मुझे तो आंच नहीं लगी, मैं तो बिल्कुल सेफ बैठा हुआ हूँ, लेकिन दूसरे को पीड़ा मिल रही है, उसके कारण इनके मन को पीड़ा महसूस होना शुरू हो जाती है। तो यही तो महापुरुषों ने कहा कि इस तरह से हमारी तार जुड़ी हुई हो, एक दूसरे की पीड़ा महसूस करें, उसको कम करने में योगदान दें, मुझे खुशी मिली है मैं खुशी बांटूं, जैसे वो भी एक पंक्ति दास कई दफ़ा इतने सालों में उसका जिक्र किया है कि एक दूसरे की पीड़ा को इस प्रकार से उसको बांटना, एक लगन से बांटना और निज पीड़ा को धैर्य से सहना। तो इस तरह से ये महापुरुष संत जनों का बताया हुआ रास्ता है, यही एक इंसानियत की पहचान है, यही एक धर्म की पहचान है। अगर ये नहीं है तो फिर ना हम इंसान कहलाते हैं, ना हम धार्मिक रह जाते हैं, हर तरफ से हम एक इस पैमाने के ऊपर खरे नहीं उतरते हैं और इसीलिए मालिक की निगाह में हमारा दर्जा वो ऊंचा नहीं होता है, हम नीचे दर्जे वाले बन जाते हैं। तो इसीलिए हमने अपने दर्जे को बढ़ाना है, हमारे दर्जे कोई दौलतों के कारण नहीं बढ़ने वाले हैं। अक्सर जैसे समाज में नाप तोल होती है कि इसका दर्जा बड़ा है, इसका दर्जा बड़ा इसलिए है क्योंकि ये इसके पास दौलत बड़ी है, इसका दर्जा इसलिए क्योंकि ऑफिसर है, इसका दर्जा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये हुकूमत करता है, इसका दर्जा इसलिए बड़ा है क्योंकि इसके पास बहुत से ऐसे टैलेंट्स हैं। तो उस तरह से हम दर्जे उनको मानते हैं, ऊंचे दर्जे वाले, लेकिन महापुरुष संत जनों ने जो दर्जा ऊंचा माना है और जो हरि के निगाह में दर्जा ऊंचा वो उसी का हुआ है जो इस प्रकार से इस रोशनी से युक्त हो जाता है, इसी रोशनी में जीवन के सफ़र को तय करता है, प्यार खलूस के साथ इस दुनिया को सजाता संवारता है, एक दूसरे के काम आता है, आंसू पहुंचता है दूसरों के लबों पे, हंसी प्रदान करता है, गिरे हुए को उठाता है, उजड़े हुए को बसाता है, शोषण करता नहीं है, पोषण करना जानता है। तो इस प्रकार से जिसकी ये अवस्था बन जाती है, ऐसी चाल बन जाती है, तो वाकई ही वो ऊंचे दर्जे वाला हुआ करता है, वो ऊंचे दर्जे वाला होता है, चाहे कुटिया में रहने वाला क्यों ना हो, चाहे साधारण सी धोती और कुर्ता पहनने वाला क्यों ना हो, चाहे मैले कुचैले वस्त्र वाला क्यों ना हो, चाहे अनपढ़ हो दुनियावी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से, लेकिन वो ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से ये दर्जा ऊंचा अपना हर कोई करे
इसके लिए ही महापुरुष प्रेरित करते हैं, इसीलिए संदेश देते हैं, इसीलिए पैगाम देते हैं कि इंसान इस जीवन के सफ़र को तय कर रहे हो तो इस भाव से तय करो, इस अवस्था में आके तय करो। ये समय हाथों से जा रहा है, एक युग, सदियां, साल बीतते चले गए हैं और ये बीतते ही हैं। 2015 अभी चंद हफ्ते पहले ही समाप्त हो गया और नया वर्ष शुरू हो गया और उसके भी आज 22 दिन गुज़र चुके हैं। इसी प्रकार से ये समय गुज़रता है, एक एक पल गुज़रता है। इनकी कदर जो कर लेता है, समय की संभाल कर लेता है। समय की संभाल करने का मतलब कि अपने जीवन को एक संभाल लेता है, अपने जीवन को सही प्रकार से जी लेता है, एक एक पल सुंदर भावनाओं से युक्त होकर बिताता है, तो वो वास्तविकता में समय की संभाल करने वाला बनता है। वही सूझवान माना जाता है, वो नादान नहीं है जो समय को नष्ट कर रहा है, वो समय को हाथों से गंवा रहा है। उसका जीवन कोई उपयोगी नहीं, एक निरर्थक सा जीवन हो जाता है, जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसके कोई मायने नहीं, क्योंकि वो सही मायनों में जी नहीं रहा है। इसलिए निरर्थक सा जीवन बन जाता है, उसका कोई लाभ नहीं, ना अपने को ना किसी और को। तो इसलिए हर जीवन लाभदायक हो अपने और औरों के लिए, इस तरह से महापुरुषों के ये पैगाम हैं, महापुरुषों का बताया हुआ रास्ता है और उसी रास्ते पे चलने वालों की ही जय जयकार ये हमेशा से रही है। वरना तो अपने अपने लिहाज से तो हर कोई सोचता है कि मैं तो इस प्रकार से ऊंचे दर्जे वाला हूँ ही, मेरा रास्ता तो सबसे बेहतर है ही, चाहे बुरे से बुरा काम करने वाला क्यों ना हो। कई दफ़ा दास वो मिसाल देता है कि कत्लो गारत करने वाले, डाके डालने वाले, मातम फैलाने वाले, एक हैवानियत की चाल चलने वाले, एक किसी इंसान ऐसे इंसान को पूछा गया कि तेरा मित्र कहाँ पर है, तो आगे से वो कहता है जी वो तो स्वर्ग से धार गए हैं। यानी कि कत्लो गारत करने वाले वो भी स्वर्ग से धार गए हैं कि वो स्वर्ग में चला गया है, मेरा साथी जो हम मिलजुल कर कत्ल करते थे वो स्वर्ग में चला गया है। तो इस प्रकार से ऐसी एक भाव रखने वाले, ऐसी अवस्था में जीने वाले ये नादानियां करते चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन आज भी यही पैगाम दे रहे थे, यही संदेश दे रहे थे कि हमने रोशन होना है, अपने जीवन को रोशन करना है, हमने संसार को रोशन करना है, हमने चारों तरफ उजाला फैलाना है, चारों तरफ उजाला स्थापित करना है, हमने चारों तरफ एक इंसानियत और मानवता को बुलंदी तक ले जाना है, हमने प्यार को मजबूत करना है, हमने सहनशीलता के साथ विचरण करना है और इस तरह से ये संसार को एक सुंदर रूप देते चले जाएं। यही एक उत्साह लिए हुए, यही भाव लिए हुए महापुरुष संत जन ये लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं। और जो भी जिस रूप में भी ऐसे बेहतर योगदान दिए जाते हैं, जो कुछ संवारने के लिहाज से हैं, वरना बिगाड़ने वाले भी योगदान ही हुआ करते हैं, लेकिन संवारने के रूप में, बेहतरी के रूप में, बेहतरी लाने के रूप में, सजाने के रूप में, संवारने के रूप में, वो योगदान जिसके द्वारा जिस रूप में भी दिए जाते हैं, वाकई ही उसकी अहमियत ये हमेशा सज्जन जानते हैं, भक्त जानते हैं कि वाकई ही उसी की अहमियत होती है कि वो कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, वो कुछ
संवार रहे हैं, तो इसलिए उनकी महत्ता ये हमेशा से रही है। चाहे युग बदल जाएं, चाहे सदियां बदल जाएं, चाहे साल महीने बदल जाएं, चाहे विश्व का कोई मुल्क में रहने वाला वो इंसान हो, उसकी उस जगे हुए दीपक की तरह अहमियत रहती ही रहती है। वो मालिक की निगाह में उसका कीमत बहुत अधिक है। वो कहीं पर भी हो, किसी रूप में भी हो, किसी जगह पे हो, किसी युग किसी सदी में पैदा हुआ हो, वाकई ही उसी की अहमियत है। तो आज भी हम इसी पे गौर करें, संसार सारा विचार करें और समय रहते हुए ही अपने आप को संभाले, अपने आप को सही दिशा प्रदान करें। इस संसार में आया है तो इस जीवन के का कीमत डालें, इस मंजिल को पाए, आत्मा का उद्धार करे और इस प्रकार से मुख उजला करे अपना। यही एक पैगाम इसी पे आधारित दिया जा रहा है। यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थनाएं ये की जा रही हैं कि दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको ऐसी जागृति प्रदान करे ताकि हर इंसान जो है वो इस अवस्था में ये आ जाए, ताकि ये संसार का वातावरण ये घुटन वाला वातावरण ना रहे, ये भय वाला वातावरण ना रहे, जो हिंसा वाला वातावरण ना रहे, यहाँ पर अमन चैन वाला वातावरण हो, जहाँ प्यार के तराने हो, प्यार के नगमे हो और इस तरह से सुकून ले पाए हर कोई, राहत महसूस कर पाए हर कोई। इस तरह की प्रार्थनाएं की जा रही हैं और इसी की तरफ प्रेरित किया जा रहा है। तो दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और फिर से खुशी अपनी जाहिर करेगा, जो इस तरह से आपके इस समागम के पहले दिन दर्शन करके प्राप्त हो रही है। और कितना कितना उत्साह, जैसे कि दास ने आरंभ में जिक्र किया कि यहाँ पर हज़ारों हज़ारों मील का सफ़र तय करके इन दो महीनों के बाद फिर से यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेकों महापुरुष भक्तजन दूर देशों से वो नवंबर के समागम पर भी उपस्थित थे, चाहे वो कनाडा, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूरोप, यूके, उन जगहों से नवंबर में भी आए थे। और आज इस समागम के ऊपर भी वो फिर से उनके दर्शन हो रहे हैं। वरना इंसान कितनी दफ़ा सोचता है कि ये केवल दो महीनों का वक्फा और हज़ारों मीलों का सफ़र और उसमें माया भी खर्च होती है, खर्चे भी आते हैं। तो इस तरह से, लेकिन जैसे दास ने कहा कि जिनको लगन लगी होती है उनके कदम कभी रुकते नहीं हैं। सिमिलरली द टीम ऑफ डॉक्टर्स, द टीम ऑफ कायरोप्रैक्टर डॉक्टर्स, द सेम विद देम, सो मेनी फेसेस वी सॉ इन नवंबर इन दिल्ली एंड टुडे वंस अगेन, जस्ट अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 60 डेज, लेस देन 60 डेज, वंस अगेन दे हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड वेरियस कंट्रीज, सो मैनी कंट्रीज फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल एंड दे आर हीलिंग दोज हु आर इन पेन। सो सच स्टेप्स आर ऑलवेज वेलकम एंड वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट दोज हु आर वर्किंग टू गिव रिलीफ टू अदर्स एंड टू मिनिमाइज द पेन्स वी हैव, whether physical or mental or psychological, whatever form the pains we are suffering from, whosoever works to reduce those pains, he should always be praised, and we should have always should have regards in our hearts for all those who are working for such a noble cause. So these few words
I will conclude because we already have reached the time which was set for conclusion. Moreover, Supreme Court has passed this law that the loudspeakers should be shut by 10. So accordingly, I won't be using more words. And on the other side, the words based on spirituality, based on harmony, based on truthfulness, right since 3 p.m. today, and you can see that how many hours this marathon, these proceedings were going on, and the words which were spoken before me, they were in no way of less value, and they have much importance, and so praying to Nankar, that may Nankar bless that, like today, tomorrow also, we have blissful moments and we enjoy each moment in the company of saints. Sa Sangaji, Dhanankar.